हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेजर। द टॉपिक इज सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन जो है इन विच द टेबल इज ज्वाइन विद इट्सेल्फ, मतलब हम एक टेबल को ज्वाइन करते हैं उसी टेबल से। तो एक्चुअल में कहाँ पे हमें सेल्फ ज्वाइन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मैंने एक सिनेरियो लिया हुआ है जहाँ पे मैं स्टडी टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने जो है पूरा जितना भी हमारे पास ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, चाहे हम गूगल पे कहीं पे सर्च करें या हम यूट्यूब पे भी कहीं पे सर्च करें, मैक्सिमम टाइम जो है आपको एक ही एग्जांपल मिलेगा इसमें कि इम्प्लॉई है और वो मैनेजर है। तो इम्प्लॉई और मैनेजर आईडी फाइंड करो कि जो इम्प्लॉई भी है और उसका मैनेजर फाइंड करो। तो मेरे को वो एग्जांपल जो है, क्योंकि ऑल दो मैंने भी वही एग्जांपल पढ़ा हुआ है अपने टाइम पे, लेकिन मैं जो एग्जांपल बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस एग्जांपल में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो मीन्स कि हम कौन सा टेबल ले रहे हैं और कैसे उसके ऊपर ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन जो है वो लगाएंगे। तो जो टेबल है वो है स्टडी। स्टडी टेबल में तीन कॉलम है, स्टूडेंट आईडी दैट इज एसआईडी, स्टूडेंट सॉरी कोर्स आईडी सीआईडी एंड सिंस। मतलब ये मेरे को दे रहा है इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आईडी की, ये दे रहा है मेरे को कोर्स आईडी की और ये सिंस। सिंस मींस कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है या कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को स्टडी कर रहा है और कब से। लेकिन एक्चुअल में ये स्टडी टेबल जो है ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, इसके पास डेटा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे एसआईडी जो है वो कैक्ट कर रही है एज ए फॉरेन की और वो रेफरेंस ले रही है स्टूडेंट टेबल से। मतलब आप एज्यूम कर लो देर इज अ स्टूडेंट टेबल, वहां पे एक एसआईडी है और ये उसको रेफरेंस दे रही है। और एक और टेबल है कोर्स, उस कोर्स में कोर्स आईडी है और वो इसको रेफरेंस दे रहा है। मतलब ये एक रिलेशनशिप टेबल है, इंटरमीडिएट टेबल, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को स्टडी कर रहा है और कब से। दिस इज द एक्चुअल व्यू, द सिनेरियो इज दिस कि तीन टेबल्स हैं, लेकिन हम इन टेबल्स की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस टेबल के ऊपर ही हम ज्वाइन लगा रहे हैं और उसी के ऊपर हमने एक क्वेरी लिखी हुई है, उस क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आप इस टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करो जहां पे स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी एंड सिंस। स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी जो है यहां पे कंपोजिट प्राइमरी की है, यहां पे हमने कंपोजिट प्राइमरी की ली है। कंपोजिट मतलब ऐसी प्राइमरी की जो दो एट्रीब्यूट से मिलके बनती है। तो यहां पे दो एट्रीब्यूट जो है स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी कंबाइंडली जो है वो प्राइमरी की को बना रहे हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे, एक क्वेरी से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेरी इज फाइंड द स्टूडेंट आईडी हु इज एनरोल्ड इन एटलीस्ट टू कोर्सेज। मतलब हमें स्टूडेंट आईडी फाइंड करनी है कि S1, S2, S1, lot of IDs are there, और वो कोर्स को कौन कौन से कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या फाइंड करनी है, उस स्टूडेंट की आईडी जो एनरोल्ड है एटलीस्ट टू कोर्सेज में। एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है, कम से कम दो, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है बट कम से कम दो कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो मैंने यहां पे डेटा इस तरीके से डाला हुआ है कि आपको पता लग जाएगा S1 C1 में एनरोल्ड है, S2 C2 में एनरोल्ड है, S1 C2 में एनरोल्ड है। मतलब S1 स्टूडेंट जो है वो दो कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए, S1, S2 नहीं आना चाहिए बिकॉज S2 सिर्फ C2 के अंदर एनरोल्ड है। हमने ये टेबल का जो है कंटेंट इसी तरीके से लिया है ताकि हम वैल्यूज जो है और क्वेश्चन को है इजीली सॉल्व कर सकें। अब हम इस क्वेरी को फ्रेम करेंगे और इस क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे विद सेल्फ ज्वाइन। ऑल्दो इस क्वेरी को हम सब क्वेरी से भी कर सकते हैं, नेस्टेड क्वेरी की हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ सेल्फ ज्वाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सेल्फ ज्वाइन होता क्या है, एक टेबल को उसी के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टडी टेबल का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें स्टडी टेबल को खुद के साथ उसके साथ ज्वाइन करना है अगेन। तो उसके लिए हम क्वेरी जो है, अगर मैं यहां पे क्वेरी लिखता हूं, लेट्स से सेलेक्ट, जो सेलेक्ट करना हम बाद में देखेंगे बिकॉज हमेशा जो क्वेरी है सीक्वल की क्वेरी हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूट फ्रॉम से। तो मुझे सबसे पहले टेबल देखने कि टेबल कौन कौन से मेरे को जरूरत है, कौन कौन से टेबल्स की मेरे को यहां पर जरूरत है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जब भी हम किसी भी क्वेरी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि मुझे कौन कौन से टेबल चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें तो एक ही टेबल है, आपको वही टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने स्टडी टेबल को यूज करना है,
लेकिन अब इस फ्रॉम स्टडी, अब इसी टेबल को मुझे दो बार यूज करना है। इसी टेबल को दो बार कैसे यूज करोगे आप? बिकॉज जब भी ज्वाइन होता है, ज्वाइन हमेशा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बिना तो ज्वाइन हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने ऑलरेडी नेचुरल ज्वाइन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। मैंने इक्वी ज्वाइन का भी वीडियो बनाया, आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब दो टेबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन यहां तो एक ही टेबल है और उसी टेबल से मेरे को आउटपुट निकालनी है, तो फिर कैसे होगा ये? मेरे को स्टडी टेबल को स्टडी टेबल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप मान के चलो कि ये स्टडी टेबल दो बार लिखा हुआ है, लेट से एक और बार लिखा हुआ है यहां पे S1 C1 S2 C2 S1 C2 और 2016 2017 2017। और ये हम कैसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? फ्रॉम स्टडी टेबल और उसका एलाइस बनाएंगे। एलाइस, एलाइस मतलब एक टेम्परेरी नेम जनरेट कर देते हैं। तो कंपाइलर को क्या लगेगा, स्टडी टेबल का नाम क्या कन्वर्ट कर दिया हमने, T1। इट इज नॉट परमानेंट, हम रीनेम नहीं कर रहे, सिर्फ एक एलाइस क्रिएट कर रहे हैं, स्टडी एज T1 कॉमा स्टडी एज T2। तो इसका मतलब क्या बना, इसी स्टडी टेबल का नाम T1 हो गया और इस स्टडी टेबल का नाम T2 हो गया। है वो एक ही टेबल लेकिन उसकी दो कॉपी बन गई, मतलब उसकी एक एज इट इज कॉपी बन गई। एक कॉपी का नाम टेम्परेरली T1 रख दिया, एक कॉपी का नाम टेम्परेरली T2 रख दिया, ताकि हम क्वेरी को लिख सकें, क्योंकि क्वेरी में ऑब्वियसली ज्वाइन करना है और ज्वाइन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही चलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मेरे को दो टेबल चाहिए, लेकिन टेबल का नाम तो एक बार लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम स्टडी कॉमा स्टडी। अगर आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम स्टडी कॉमा स्टडी, वो एरर देगा कि स्टडी टेबल तो एक ही है। तो इसीलिए हमें एक तरह से कंपाइलर को हम फूल कर रहे हैं, कैसे, उसी को हम T1 और उसी टेबल को T2 दो एलाइस बना दिए। अब बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओ, जब भी हम फ्रॉम के बाद ये लिखते हैं, कॉमा का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दो टेबल्स में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब एक ये टेबल और एक ये टेबल आपस में क्रॉस प्रोडक्ट। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हमेशा अगर एक टेबल में m नंबर ऑफ रोज है, दूसरे में n नंबर, तो टोटल विल बी m इंटू n। यानी इसमें तीन है, इसमें तीन है, टोटल विल बी 9। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि सेल जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, S1 C1, मतलब फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई विद फर्स्ट, S1 C1 S2 C2 S1 C2, और इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। देन सेकेंड रो इज S2 C2, ये हम तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, S2 C2 S1 C2 S2 C2 S2 C2। एंड द थर्ड रो इज S1 C2, और ये भी तीनों से मल्टीप्लाई होगी, S1 C1 S2 C2 S1 C2 S1 C2 S1 C2। Fine. So this is the value from table 1 and this is the value from table 2. करना कुछ भी नहीं है, एक रो को उठाओ, एक रो को यहां से उठाया और उसको तीनों से मल्टीप्लाई, दूसरी रो को उठाया तीनों से मल्टीप्लाई, तीसरी रो को उठाया तीनों से मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे ईयर्स को या सिंस वाला जो कॉलम था उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया, आप लेना चाहते हो उसको भी एज इट इज लिख सकते हो, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उसके बारे में पूछा नहीं है। तो इसीलिए मैंने उस चीज को यहाँ पे कॉलम को नहीं लिखा, आप लिखना चाहते हो उसको लिख सकते हो। नाउ ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 रोज आ गई किसके बाद, स्टडी टेबल को हमने दो एलाइस बनाए और उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। अब हमें कंडीशन लगानी है, कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है कि उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड करो, उस स्टूडेंट की SID फाइंड करो जो दो कोर्सेज, कम से कम दो कोर्सेज पढ़ रहा है, एटलीस्ट टू कोर्सेज, मतलब स्टूडेंट ए को कोर्सेज दो हो, स्टूडेंट एक हो कोर्सेज दो हो, मतलब स्टूडेंट आईडी सेम होनी चाहिए लेकिन कोर्स आईडी अलग होनी चाहिए, तभी हमें पता लगेगा ना। तो क्वेरी क्या लिखेंगे हम, इसको पूरा करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम T1 कॉमा T2 वेयर,
ये पूरी एक रो में क्वेरी लिखनी है, पूरी एक रो है, वेयर टी वन, क्योंकि अब स्टडी टी वन बन गया, तो हमने टी वन डॉट एस आई डी इज इक्वल टू टी टू डॉट एस आई डी एंड टी वन डॉट सी आई डी, कॉलम के नेम आप एज इट इज ले लो, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, कॉलम के नेम जो है वो एज इट इज ले लो, टी वन डॉट सी आई डी इज नॉट इक्वल टू टी टू डॉट सी आई डी, मतलब दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी तो सेम हो लेकिन कोर्स आईडी अलग अलग हो, दिस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो अगर दोनों आईडी सेम हो स्टूडेंट, यानी हम सेम स्टूडेंट की बात करें, एक ही बंदे की बात करें, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेस अलग अलग हो, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट टू वाला कंडीशन जो है वो मेरा फुलफिल हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, ये कंडीशन जो है अब हमें ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद अप्लाई करनी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन उस क्रॉस प्रोडक्ट के बाद कंडीशन, तो यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, तो कंडीशन जो है वो ये वाली। तो अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं, टी वन डॉट एस आई डी इज इक्वल टू टी टू डॉट एस आई डी, ट्रू, टी वन डॉट सी आई डी इज नॉट इक्वल टू टी टू डॉट सी आई डी, फॉल्स, सो ट्रू एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, तो यानी ये रो जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये रो सिलेक्ट नहीं होगी। देन एस वन डॉट दिस एस आई डी इज इक्वल टू एस आई डी, है दोनों इक्वल, नहीं, तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ऑब्वियसली फॉल्स एंड कुछ भी कर लो आप, आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा, तो इसीलिए ये रो भी जो है वो रिजेक्ट। एस वन इज इक्वल टू एस वन, यस, सी वन इज नॉट इक्वल टू सी टू, यस, सो दिस रो विल बी सेलेक्टेड। देखो S1 और S1 बराबर है, SID और SID बराबर है, और C1 और C2 बराबर नहीं है, और वही हम बात करें CID is not equal to CID, so this row will be selected. Next, SID is equal to SID? No. SID is equal to SID? Yes. But CID is not equal to CID? No. CID is equal to CID? Rejected. SID is equal to SID? No. SID is equal to SID? Yes. And course ID is not equal? Yes. Course ID is also not equal? Selected. SID is equal to SID? No. SID is equal to SID? Yes. Course ID is not equal? No. Course IDs are equal. So this row will be rejected. तो final में मेरे पास output में क्या आया? सिर्फ ये दो row आई. मैं इनको highlight कर देता हूँ यहाँ पे. एक तो ये row आई. And second is this. These row will be in the final output. मतलब ये किसकी output आई ये वाली? ये जो है. ये वाली और ये वाली किसकी आउटपुट आई? इस पूरे की, फ्रॉम से लेके ये पूरा कंडीशन जो है, इसने मेरे को ये दो रो आउटपुट में देनी है। अब इस रो में से मेरे को क्या आउटपुट में निकालना है? स्टूडेंट आई, ऑब्वियसली स्टूडेंट वन ही आना था, बिकॉज स्टूडेंट वन ही ऐसा है जो दो कोर्सेज जो है कम से कम पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट टू की कंडीशन यहां पे फिल, हाँ एटलीस्ट थ्री फोर के लिए हम फर्दर कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट टू के केस में अभी फिलहाल मेरी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, तो फाइनल में हमें क्या निकालना है? एस आई डी, फाइनल में हमें एस आई डी प्रिंट करानी है, तो एस आई डी जो है वो प्रिंट करा दूंगा, लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप अकेला एस आई डी लिखोगे वो एरर देगा कंपाइलर, क्यों? क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि एस आई डी तो यहां पे दो होंगी ना, एक टी वन के भी अंदर एस आई डी, एक टी टू के अंदर भी एस आई डी है, तो किस में से निकालनी है एस आई डी? तो आप मेंशन कर दो, लेट्स से टी वन डॉट एस आई डी, आप टी टू भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, टी वन डॉट एस आई डी, सो फाइनल आउटपुट विल बी एस वन। सो दिस इज हाउ द सेल्फ ज्वाइन एक्चुअली वर्क्स, मतलब एक टेबल को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लिखते कैसे हैं? अलाइज बना के और फिर कंडीशन लगा के। सो सेल्फ ज्वाइन जो है मैंने पहले ही आपको बताया, मोस्टली आपको एक ही एग्जांपल मिलेगा, लेकिन ये एग्जांपल जो है वो बेस्ट है, और एक नई क्वेरी जो है इस क्वेरी को हमने सेल्फ ज्वाइन की हेल्प से सॉल्व किया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।